हेलो फ्रेंड्स, आरतीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 2 मिनट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मसाला पराठा है। वो बिगनर्स के लिए है और बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं मसाला पराठा, जिसके लिए सबसे पहले हम आटे का डो बना लेंगे। मैं 2 कप आटा लूंगी। मेजरिंग कप से मेजर करके मैंने 2 कप आटा लिया है। उसमें हम नमक और ऑयल, कोई भी आप ऑयल यूज कर सकते हैं, उसमें 2 चम्मच मैं ऑयल यूज करूंगी और 1/2 चम्मच हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। इससे हमारे 3 से 4 पराठे आराम से बन जाएंगे। ये 1/2 चम्मच मैंने सॉल्ट डाल दिया। अब इसको हम पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। ये हमारा डो अब रेडी हो गया है। डो को रेडी करने के बाद इसको हम 10 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे, ताकि डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम पराठे बनाएंगे। मसाला पराठा बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिनको हम मिक्स कर लेंगे। वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे एक बाउल में। और साथ में ही मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो कोई वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। देसी घी लिया है मैंने और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और अजवाइन। चलिए तो हम आटा चेक कर लेते हैं। आटे का डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको हम थोड़ा सा फिर हाथों की मदद से बना लेंगे दोबारा से। थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे। ये इसको और सॉफ्ट होने में मदद करेगा। ये हम लोई बना के इसको अब आगे सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हमें पूरा बेलना है। ऐसे पूरा गोलाई में बेल लेंगे बड़ा सा। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप घी की जगह कोई भी रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैं देसी घी यूज कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी से बहुत अच्छा पराठा बनता है। अब हम इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया था, वो मसाला मैं स्प्रिंकल करूंगी। मसाला आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। इसकी अब हम लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी और ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ये फिर हम इसको आगे ले जाएंगे और फिर फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, लेयर्स बन गई हैं। लेयर बनाने के बाद हम इसको ऐसे गोल कर देंगे। ये हाथों की मदद से इसको ऐसे गोल करके ये जो हिस्सा है पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और ये हमारा पराठा बन गया गोल। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अजवाइन लगाऊंगी। और थोड़ी सी कसूरी मेथी लगाऊंगी। कसूरी मेथी लगाने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये हाथों की मदद से मैं इसको प्रेस कर दूंगी। अब हम इसको बेल लेंगे। सूखा आटा लगाऊंगी और ऐसे इसको उल्टा रखेंगे। जिस तरफ हमने कस्तूरी मेथी लगाई है, उस तरफ से हम इसको उल्टा रखेंगे और बेल लेंगे।
हल्के हाथ से बेलना है। हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल तैयार हो गया। तवे पे थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे और फिर हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे। ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से सेक गया है और उसका कलर भी गोल्डन आ गया है। इसको दोनों तरफ से देख लो। ये देखिए हमारे पराठे की लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं, अलग अलग लेयर में आ गया है। ये देखिए ये हमारा मसाला पराठा तैयार है। आप इसको दही के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।